वेलकम टू श्रुतिज विद स्पेशल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही नरम और जालीदार शादियों वाला लाइव ढोकला की रेसिपी। वैसे तो ये ढोकला दाल चावल को भिगो के फिर उसमें फर्मेंट करके बैटर बनाते हैं, पर हम आज ढोकला का आटा बना के इंस्टेंट लाइव ढोकला कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे, उसमें 1/4 कप चावल का आटा और 1/4 कप बारीक सूजी डालेंगे। इसमें करीब 3/4 कप दही डालेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा मैंने चैनल पे इंस्टेंट रवा ढोकला की रेसिपी भी अपलोड की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने 1 कप के करीब पानी यूज किया है। तो हमारा ढोकला का बैटर रेडी हो गया है, इसको हम 20 मिनट रेस्ट देंगे। इस दौरान हम स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच क्रश किए हुए अदरक और मिर्ची डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ढोकले की डिश में ऑयल ग्रीस कर देंगे। अब हम उसमें 1 चम्मच इनो डालेंगे। जब भी ढोकला बनाना हो तभी उसमें इनो डालना है। इनो के साथ थोड़ा सा पानी और 2 चम्मच तेल डाल के उसको एक ही दिशा में मिक्स करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। हम थाली में बैटर को स्प्रेड कर देंगे। इतने बैटर में से 2 थाली ढोकले की बनके तैयार होंगी। ऊपर से लाल मिर्च डाल देंगे। अभी हम स्टीमर में थाली को रख देंगे और 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच में स्टीम करेंगे। तो अभी ढोकला स्टीम होके रेडी है, इसको हम 5 मिनट ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद उसको कट कर लेंगे। ये देखिए कितना जालीदार और सॉफ्ट ढोकला बनके रेडी हो गया है। इसके ऊपर तेल डाल देंगे और मैंने यहाँ पर ढोकला को हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो लहसुन की लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी की रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड की है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखा आपने कितना सिंपल है इंस्टेंट लाइव ढोकला बनाना। इसको आप शाम के नाश्ते में या फिर कभी कभी आपके घर में मेहमान आए तब भी आप इसको बहुत ही झटपट से बना सकते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।